नमस्कार दोस्तों, मैं सुजय कुमार और आपके अपने चैनल सुजय फैंटेसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मालूम है, आप लोगों की काउंटी मैचेस जब से चल रहे हैं हम लोग अच्छे ढंग से फॉलो कर रहे हैं और इसके सारे मुकाबले फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी उसी मुकाबला में से एक है। 10 मई को ये मुकाबला होने वाला है। आजकल तो भैया क्या हो रहा है ना, चार चार पांचवें दिन में काउंटी का मैचेज आ जा रहा है और कितना जबरदस्त आता है मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं पूरे वीडियो में आपको अच्छे ढंग से बताऊंगा और ये मैच जो बनता है ना वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट वाला मैच होता है। मैं पहले बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ वीडियो का, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कर जाना। देखो, आप लोग को लग रहा होगा कि भैया ये ऐसे वैसे कर करके वीडियो लंबा दिखवाएगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं करता हूँ। अगर वैसा नहीं रहेगा मैच तो मैं आपको स्टार्टिंग बता दूंगा कि नहीं रहने वाला। मैच जबरदस्त है, जैकपॉट मुकाबला है, मैं पहले बता रहा हूँ। आराम से बेझिझक होकर इस मैच में इन्वेस्टमेंट करो और मैच को विन करो। अगर इस देखो टेलीग्राम चैनल से जल्दी जाकर ज्वाइन कर लेना, अगर अभी कुछ नहीं समझ में आता है तो यहां से काम खत्म करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, डायरेक्टली आ जाओ हमारे टेलीग्राम पे और वहां पे मैं टीम दूंगा, आराम से खेल करके विन कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर समझना चाहते हो, खुद से टीम बनाना चाहते हो, जो कि ग्रैंड लीग वाला ये मैच है, बहुत अच्छा खासा ये मैच जा सकता है, तो अगर वैसा टाइप अगर सोच रहे हो ना तो फिर वीडियो देखो और मजे से देखो। कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा यार थोड़ा सा पैसा जीतने के लिए, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या कहानी रहने वाला है क्या नहीं। और इससे पहले मैंने दो वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो कि पहला मुकाबला है इंग्लैंड वोमेन और पाकिस्तान वोमेन का, वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। आयरलैंड और पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला खेला जा रहा है, पहला T20 दोनों के बीच में, पहला T20 है, दोनों वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो जाकर देख लेना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं काउंटी का मुकाबला, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे क्या कहानी है, पिछला बार कैसे क्लीन स्वीप किया था, पूरा स्क्रीनशॉट भरा पड़ा है टेलीग्राम पे, झूठ नहीं बोल रहा हूं, जाकर के देख लेना भाई। अब यहां देखते हैं 10 मई का मुकाबला होने वाला, 3:30 बजे शाम को 22वां मुकाबला ये होने वाला है। अब यहां पर किस ग्राउंड पर होने वाला था, द रोज बॉयल साउथम्पटन इंग्लैंड में मुकाबला होने वाला, जो कि देखो हम लोग इंडिया में होता है ना जो टेस्ट मैचेस, उसको बोलते हैं रणजी, डोमेस्टिक जो होते हैं ना टेस्ट मैचेस उसको रणजी बोलते हैं, और वही अगर इंग्लैंड में चलता है तो उसको काउंटी बोलते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और काउंटी के मैचेस बहुत जबरदस्त रहते हैं, पेसर और स्पिनर, इस जो ये पिच है ना यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को थोड़ा मदद मिल जाता है। वेदर रिपोर्ट एकदम क्लियर है, कोई बारिश की संभावना नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना, ये टेस्ट का मुकाबला है, 4 दिन टेस्ट चलेगा। अब एक एक चीज में बारीकी से आपको बताने वाला हूँ, यहाँ समझो हैम्पशायर और लैंकशायर के बीच में ये मुकाबला खेला गया, तो जो मैंने लास्ट के जो दो मुकाबले इस बीच में खेले गए, जो इसी सीजन खेला गया है दो मुकाबला, वो दोनों मुकाबले मैं डिस्कस करके आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए ना कि पेसर को ज्यादा विकेट मिल रहा है, स्पिनर को मिल रहा है, ठीक है, ताकि अच्छे से हम लोग टीम बना पाए, ठीक है। तो यहाँ देखो हैम्पशायर 367 पे 10 विकेट ऑल आउट हो गई टीम फर्स्ट इनिंग्स में, फिर लैंकशायर 484 10 विकेट इनका बना, पेसर को मिला था 7 विकेट और फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में 5 विकेट, पेसर को मिला था 2 विकेट स्पिनर को, और स्पिनर को सेकंड इनिंग में मिला था 4 विकेट। कुल मिलाकर अगर देखोगे तो पेसर को थोड़ा ज्यादा विकेट मिल रहा है, पेसर ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरा मैच होता है ना भाई, और स्कोर भी बनता है, 455 भी बन रहा है, देख लो 365 भी बन रहा है, और एक चीज ये ध्यान रखना कि स्पिनर को भी विकेट यहां पर मिल जा रहा है, 6-7 विकेट निकाल रहे हैं ना भाई, फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट और सेकंड इनिंग में 7 विकेट, तो स्पिनर को भी विकेट यहां पर मिल रहा है और स्पिनर यहां पर विकेट निकालते हैं, तो इनको अपने टीम में लेकर के जाएंगे। किसको लेके जाएंगे, अब ये थोड़ा पूरा डिटेल से मैं आपको बता देता हूं कि 14 विकेट फर्स्ट इनिंग में मिला था पेसर को, सेकंड इनिंग से मात्र 8 ही विकेट मिला था, तो फर्स्ट इनिंग से ज्यादा विकेट गिरता, फर्स्ट इनिंग में 13 विकेट स्पिनर को और सेकंड इनिंग में 11 विकेट मिला, तो कुल मिलाकर अगर देखोगे तो बराबर का कांटा भिर रहा है पेसर और स्पिनर के बीच में। 27 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिरा है और सेकंड इनिंग में गिरा है 19 विकेट, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा ज्यादा ही विकेट गिरते हैं, सेकंड इनिंग में थोड़ा विकेट कम गिरता है, ठीक है। मेरे हर वीडियो में गिव अवे रहता है, तो अगर आप वीडियो नहीं देखना, मतलब ट्रिल नहीं खेलना चाहते हो, ऐसे ही आपको 200 रुपए चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ वीडियो देख करके 200 रुपए कमा सकते हो। क्या करना है आपको, सबसे ज्यादा रन इस मैच में कौन डालने वाले हैं उनका नाम लिखिए, और सबसे ज्यादा विकेट कौन निकालने वाले हैं इस मैच में उनका नाम लिखिए। कमेंट में आपको हैशटैग ऐसे लिख देना है, HAM vs DUL, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है वैसे ही लिखना है भैया, ठीक है, कोई चेंजेस वगैरह नहीं करना है, और बता देना है, 2 क्वेश्चन पूछूंगा, 2 क्वेश्चन 200 रुपए आपको मिल जाएगा आराम से। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए रहना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, जीतने के चांसेस ज्यादा मुझे लग रहा है कि दुरम के रहने वाले हैं, और पिछले बार जो चैंपियन थी ना इस काउंटी की, वो दुरम ही रही थी, तो ये भी ध्यान रख करके चल लेना। टेलीग्राम से अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाकर के ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, मैं सारा कुछ आपको डिटेल से टेलीग्राम पे बताते रहता हूँ, फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाली है। आगे बात करते हैं हैम्पशायर, हैम्पशायर के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं दोस्तों, तो अभी तक 4 मुकाबला इस सीजन खेल चुके हैं, पहला मुकाबला इनका नॉट रिजल्ट रहा था, मतलब बारिश की वजह से वो मैच रद्द हो गया था, दूसरा मुकाबला ड्रॉ रहा, तीसरा मुकाबला भी ड्रॉ रहा, और चौथा मुकाबला ये टीम हार गया आ रही है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे, चलो तो यहाँ पे देखोगे तो प्लेइंग 11 आप इनका देखोगे किस अकॉर्डिंग जाएगा, अली और देखो एक चीज मैं बताता हूँ, अभी इनका स्क्वाड डिक्लेयर नहीं हुआ है जिस टाइम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर इनका स्क्वाड आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वैसे तो लाइनअप आएगा, मतलब आएगा ही तो फिर तो सारा कुछ मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन कंफर्म जैसे ही मुझे स्क्वाड मिलेगा मैं टेलीग्राम आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है।
तो ये देख लो, लेकिन 90% चांस है कि यही सारे बंदे आपको खेलते हुए दिखेंगे जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो अली और है फ्लेचर मिडिलटन आपको खेलते हुए दिखेंगे ओपनिंग करते हुए अली और के साथ। फिर आते हैं निक गविंस, फिर जेम्स मिस जो कि इसके कैप्टन है, टॉम ब्रेस, लियाम डेसन, बिन ब्राउन, आयन हॉलैंड, फिर जेम्स फुलर, टाइलर वॉर्ड और मोहम्मद अब्बास, ये सारे बंदे आपको खेलते हुए दिखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखोगे तो अली और है जो कि आपको खेलते हुए दिखेंगे और इनके एक एक प्लेयर के बारे में डिटेल से पहले मैं बताता हूँ कि मेरे स्टार्ट लिखने का तरीका क्या है। पहले बंदे का नाम, बैटिंग स्टाइल और पिछले सीजन इन्होंने क्या कर रखा था, मतलब पिछले साल इन्होंने काउंटी में क्या कर रखा था वो मैंने लिख दिया है, पूरे ओवरऑल काउंटी में क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है वो, इस ग्राउंड में क्या रिकॉर्ड रहा है वो, रिसेंट परफॉर्मेंस क्या रहा है वो, और ये सीजन जो अभी खेला है ना बंदा मतलब काउंटी में वो, तो आपको ज्यादा फोकस क्या पे करना है, इस पे करना है और पिछले साल का जो इनका रिकॉर्ड रहा है उस पे ज्यादा करना है। ठीक है, ध्यान रख लेना, थोड़ा थोड़ा ओवरऑल जो इनका काउंटी का स्टार्ट रहा है वो भी थोड़ा देख के चलना। तो चलो मैं बता देता हूँ भाई क्या करने वाला है अली, और जो है इनका परफॉर्मेंस उतना मुझे कुछ खास लगा नहीं है। बंदे का देखो अभी जो दो तीन मुकाबला खेला है 26-6-4 बनाया, तो इंपॉर्टेंट तो बनेगा नहीं। नेक्स्ट आते हैं फ्लेचर मिडिलटन, आप इनका देखो 28 का एवरेज इनका और कुछ खास आपको करता हुआ नहीं दिखेगा, और रिसेंट अब देखोगे ना तो एक मैच 116 बनाया है बट उतना मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, 28 का एवरेज टेस्ट में तो इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। निक गविंस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बंदा बनेगा और बहुत शानदार इनका रिकॉर्ड रहता है हर मैच में। अब इनका देखो 46 का एवरेज था पिछले साल, मतलब अच्छा खासा खेल लेता है, 56 का एवरेज बंदे का पूरा ओवरऑल काउंटी में रहता है, मतलब हर मैच में 36 रन तो बना ही लेगा ये। और इनका जो भी जो मैचेस बीता है ना उसमें देखो 50 और 69 बनाया है, 119 बनाया है, 45 और 10 बनाया है, तो हर मैच में इंपॉर्टेंट रहता है और हर मैच में विकेट भी निकालता है, सॉरी हर मैच में रन अच्छा खासा बना लेता है फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग मिला करके। जेम्स विंस आप इनका देखो 47 का एवरेज इस बंदे का पिछले साल रहा था, हालांकि ये सीजन ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाया, पहले मैच में सिर्फ परफॉर्मेंस दिया था 56-33 का, दूसरे मैच फ्लॉप रहा, तीसरे मैच भी फ्लॉप ही रहा है, तो बंदा ज्यादा कुछ खास कर नहीं पा रहा है। अगर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आपको लगता है ट्राई करना तो करके जा सकते हो बट मेरे टीम में नहीं रहेगा। टॉम प्रेस्ट इनका देख लो सिलेक्शन 5% इनका ट्रिब्यूल पे, 30 का एवरेज है और परफॉर्मेंस काउंटी में और पिछले साल इनके 21 का एवरेज, तो ज्यादा कुछ खास नहीं, हर मैच में 20-21 से ज्यादा बनाता नहीं है, पहले मैच में परफॉर्मेंस कर गया था 85 और 45 बना गया था, उसमें भी 45 नॉट आउट था और बाकी दो मैच में बंदा परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो मेरे टीम में शायद ही मैं इनको लेके जाऊं। लियाम डॉसन आते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों मिलाकर के परफॉर्मेंस जबरदस्त करता है भाई, ये 14 मैच में पिछले साल इनके रहे थे 49 विकेट और 40 का एवरेज भी रहा था और 33 का एवरेज इनका रहा है, 7 विकेट 192 मैच टोटल। अब यहाँ देखोगे ना तो अभी जो रिसेंट खेला है उसमें अच्छा खासा स्टार्ट है भाई, 86 रन 4 विकेट, फिर दूसरे मैच में 23 रन 5 विकेट और 2 विकेट, फिर यहाँ देखो 3 रन 1 विकेट और 18 रन, मतलब अच्छा से लास्ट वाले मैच में अच्छा नहीं किया है, बाकी सारे मैच में जो दो मुकाबला बीता है उसमें विकेट भी निकाला है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करता है और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी है, तो ध्यान रखना विकेट इनको मिल ही जाता है भाई करीब करीब। उसके बाद 23 का एवरेज और 38 का एवरेज, इनके पिछले साल 23 का था ओवरऑल इनके 38 के, ब्रेन ब्राउन का ज्यादा कुछ खास करेगा नहीं आपके लिए। यान हॉलैंड आप इनका देख लो पिछले मैच नहीं खेला था, इस मैच में देखते हैं प्लेइंग 11 में अगर आता है या नहीं आता है, इनके प्लेस पे कौन खेला था वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे, तो वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पर देखो तो ज्यादा कुछ खास आपके लिए करता हुआ नहीं दिखता। जेम्स फुलर इनके 11 मैच में 24 विकेट थे पिछले साल और ये साल भी कुछ खास नहीं कर पा रहा, थोड़ा वो 30-40 बैटिंग्स बना ले रहा है, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। नेक्स्ट आते हैं काइल अबोट, ये बंदा बहुत तगड़ा वाला है, 13 मैच में 44 विकेट था पिछले साल और ये साल जो खेल रहा है ना सिर्फ अभी लास्ट वाले मैच में 4 विकेट निकाला है, उसके बाद अगर देखो ना तो कोई भी मैच में इनको विकेट नहीं मिल रखा भाई, तो अगर आप चाहते हो लेकिन अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी ना तो फिर मैं इनको रखूंगा और विकेट निकालेगा बंदा ये, मुझे मालूम है इस मैच में निकालेगा। उसके बाद आते हैं मोहम्मद अब्बास, 14 मैच में 53 विकेट है, अच्छा खासा स्टार्ट है, फिर 171 मैच में 678 विकेट है, समझ रहे हो 171 मैच में 678 विकेट निकालना, मतलब गर्दा परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, लेकिन विकेट क्या हो रहा है ना ये सीजन कुछ कर नहीं पा रहा है, एक एक विकेट दो दो विकेट निकाल रहा है, उससे ज्यादा कुछ बन नहीं पा रहा है, तो ज्यादा पॉइंट आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते हो, लेकिन इस मैच में अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो फिर मैं इनको रखूंगा। जैसे कि मैंने बताया था यान हॉलैंड नहीं खेले थे, उनके प्लेस पे खेले थे ब्रैडविल और 2 विकेट निकाले थे उस मैच में, तो ये ध्यान रख लेना। बाकी इनके अलावा 47 मैच में 110 विकेट है। उसके बाद इनके स्क्वाड में बहुत सारे प्लेयर है लेकिन वो सारे डिस्कस मैं नहीं करूंगा बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा और वो सारे खेलेंगे भी नहीं, मैं अभी दिखा देता हूँ क्या है क्या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो तो, वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर इतना मेहनत मेरा अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कहानी जो मैं बता रहा हूँ, तो इतना तो कर ही सकते हो यार। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे बात करते हैं देखो ये सारे बंदे का मैंने लिख रखा है भाई स्टार्ट, एक एक बंदे का इनके स्क्वाड में जितने भी है, तो इनमें से कोई खेलने के चांसेस किसी का भी नहीं है, अगर कोई खेल जाता है प्ले के लिए में एक्सेप्शनल अगर कोई आ जाता है तो फिर मैं बता दूंगा उनका नाम, ठीक है, टेलीग्राम पे स्टैट्स वगैरह भेज दूंगा। अब बात करते हैं विकेट कीपिंग में, बेन ब्राउन इंग्लैंड, बेन ब्राउन का भी कुछ खास नहीं, इंग्लैंड खेलेंगे नहीं। बैटिंग्स में बात करता हूँ तो जेम्स विंस का देखो 91% सिलेक्शन, अब आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि जेम्स विंस को रखना है नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद निक गविंस 9% सिलेक्शन है यार, समझ रहे हैं 9%, इनको अपने टीम में लेके जा रहा है,
वेदरली खेल ले रहे हैं, मिडिलटन खेलेंगे भी तो कुछ खास नहीं, अली और कुछ खेलेंगे भी तो कुछ खास नहीं है। माइकल जैसे का सिलेक्शन आई है बट कुछ खास नहीं करेगा। लियाम डॉसन मेरे टीम में रहेंगे, बेन गोबर खेलेंगे नहीं, किन बागर खेलेंगे नहीं, कूलर खेलेगा तो कुछ खास नहीं बनेगा। यहाँ से मोहम्मद आवाज को आप ट्राई कर सकते हो बिकॉज अगर विकेट नहीं निकाल रहा है लेकिन बंदा कभी भी निकाल सकता है। बाकी यहाँ से टर्नर और वुड खेल ले रहे हैं, कैलेब मेरे टीम में रहेंगे, ब्रैड भी अगर खेलते हैं यान होलैंड के प्लेस से, आप पहले बॉलिंग करते तो फिर शायद सोचूंगा इनके ऊपर, सोचूंगा रखूंगा नहीं सोचूंगा, ठीक है तो ध्यान रखना। अब दूरहम के बारे में डिस्कस करते हैं, ये भी चार मुकाबला टीम खेल कर आई है, पहला मुकाबला इनका भी रद्द हो गया था, दूसरा मुकाबला ड्रॉ रहा, तीसरा मुकाबला जीत गई टीम और चौथा मुकाबला इनका फिर से ड्रॉ रहा। तब इनके प्लेइंग 11 देखते हैं किस अकॉर्डिंग में, और इनके प्लेयर बहुत अच्छे खासे भरे पड़े हैं भाई, और अच्छे अच्छे प्लेयर भरे पड़े हैं इनके टीम से, तो इनके टीम से ज्यादा प्लेयर लेकर के जाने वाले हैं। तो इनके जब मैं इनके प्लेयर के स्टैट्स दिखाऊंगा तो पूरे अच्छे ढंग से बारीकी से समझने का प्रयास करना। एलेक्स लीज आते हैं, फिर स्कॉट बॉडविक आते हैं जो कि टीम के कैप्टन है, पॉलिन एकरमैन, डेविड बेडिंगम, ऑलिडो विंसन, ग्राहम कलर, ब्रैडन कास, बेन रेन, मैथ्यू पॉट्स, कैरम पार्किंसन और पॉल कुग्लियन, ये सारे बंदे आपको खेलते हुए दिखेंगे। अब एक एक प्लेयर के बारे में डिटेल से बताऊंगा। एलेक्स लीज आते हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेग ब्रेक आपको बॉलिंग करते हैं, पिछले साल इनका 70 का एवरेज था, समझ रहे हो, लेकिन बंदा ये साल परफॉर्मेंस उतना नहीं कुछ कर पाया, लेकिन 145 इनका पहले मैच में मार दिया था अच्छा खासा स्कोर, दूसरे मैच में फ्लॉप रहा, 6 और 4 बनाया, और तीसरे मैच में 4 और 48 बनाया, लेकिन बंदा परफॉर्मेंस कर जाएगा भाई, कभी भी करता हुआ दिख सकता है, 195 हाईएस्ट स्कोर था पिछले साल, तो ध्यान रखना पहले मैच में भैया 145 मार गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो बन सकता है। उसके बाद है स्कॉट बॉडविक जो कि टीम के कैप्टन है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा, 44 का एवरेज है, इंपॉर्टेंट बनेगा, लेके जाओ और देखोगे तो उतना कुछ खास नहीं लगेगा, सिर्फ एक मैच में 75 आया है, बट उतना कुछ खास नहीं है कि मैं इनको अपनी टीम में रखूं तो इनको ड्रॉप करके जा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कॉलिन एकरमैन, अब इनका देखो पिछले साल का इनका कुछ खास नहीं, 41 का एवरेज इनका ओवरऑल पूरे काउंटी में, और 112 रन एक विकेट बनाया अभी रिसेंट, 32 बनाया, 47 18 बनाया, फिर 0 विकेट 1 विकेट और 22 बनाया, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है, इंपॉर्टेंट बनेगा, और 70 भी मार चुका है तो इंपॉर्टेंट बनेगा लेकर किसान। डेविड बेडिंगम बहुत तगड़ा वाला बंदा का स्टार्ट है भाई, 39-36 बनाया, 38 138 बनाया और 52-23 बनाया, इंपॉर्टेंट बनेगा लेके जा रहा, पिछले साल 56 कर रहे था, ओवरऑल इनके काउंटिंग में 50 का एवरेज तो रहता ही रहता है, हर मैच में 50 को रन बनाता हुआ दिख जाएगा और अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा। उसके बाद आते हैं ऑलिडो विंसन, 58 का एवरेज था पिछले साल, इस साल 37 का एवरेज है पूरे ओवरऑल काउंटी में, और इनका देखो 60 और 52 बनाया फर्स्ट मैच में, 55-67 बनाया और 90 बनाया, था भैया एक तो विकेट कीपिंग करेगा प्लस आपको रन भी अच्छा खासा मार रहा है, तो वाइस कैप्टन इनको सोच सकते हो इनके ऊपर, और अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करेगा, सिलेक्शन बहुत कम है यार इन सब बंदे का। ग्राहम कलर 58 का एवरेज है पिछले साल, ओवरऑल इनके 30 का एवरेज है काउंटी में, 76-11 बनाया, 50 बनाया दूसरे मैच में और तीसरे मैच में 3 रन बनाया, तो ज्यादा कुछ खास तो नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर आपको लगता है ट्राई करना तो करके जा सकते हो और चांस बनेगा तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। ब्रेडन दास आते हैं, 67 का एवरेज है, 67 का एवरेज है इनका पिछले साल, 29 का एवरेज ओवरऑल काउंटी में, अभी तक एक ही मुकाबला दो मुकाबला खेला, दोनों में कुछ खास नहीं कर पाया। नेक्स्ट आते हैं बेन रेन, 25 का एवरेज, 23 का एवरेज, 14 मैच में 7 विकेट निकाला, तो बैटिंग से ज्यादा उम्मीद मत करना, बॉलिंग से ज्यादा उम्मीद करना, और बॉलिंग से बंदा विकेट निकाला, लेकिन फर्स्ट मैच में 93 रन बैटिंग से बना गया और 43 रन, 3 विकेट, 2 विकेट, और फिर थर्ड मैच में विकेट इनको नहीं मिला है, तो इंपॉर्टेंट तो बनेगा बंदा बैटिंग बॉलिंग मिला करके परफॉर्मेंस कर जाता है तो ट्राई कर सकते हो। मैथ्यू पॉट्स इनको बिल्कुल भी ड्रॉप करने के बारे में सोचना भाई, 11 मैच में 54 विकेट है इनके पिछले साल का, समझ रहे हो, और ये साल भी गर्दा वाला, और 149 रन तो बैटिंग से भी कर गया उस दिन, तो संकोच और 149 जो बनाया ना इनका एवरेज जो भी हाईएस्ट स्कोर इनका बन गया वो 149 बन गया, इसी सीजन मारा है और 149 मारा है, इंपॉर्टेंट भी बन गया, 44 भी बनाया है, 3 विकेट 2 विकेट और 22 और 1 विकेट, अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, नो डाउट अपनी टीम में लेके जाओ और अच्छा खासा रिकॉर्ड भी इनका जबरदस्त है। कैरम पार्किंसन आप इनका देखो 170 विकेट है 65 मैच में, और अभी जो बंदा खेला है ना 5 विकेट निकाला है भाई गुच्छे में, समझ रहे हो, 2-2 विकेट भी निकाल रहा है हर मैच में, तो इंपॉर्टेंट बनेगा लेके जाना। पॉल कुग्लियन इंपॉर्टेंट बनेगा, 3 विकेट 4 विकेट और 30 रन 1 विकेट इंपॉर्टेंट है, 6 मैच में 12 विकेट था पिछले सीजन और 60 मैच में 136 विकेट है, तो ठीक ठाक रिकॉर्ड है, ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद आते हैं सारे बेंच के प्लेयर, स्क्वाड बॉलेंड देखो ये इनका भी स्क्वाड में नाम रहता है, तो अगर ये भी बंदा खेलता है तो देख लेना, ट्राई करके आप जा सकते हो, बट मुझे उतना नहीं लगा है, 105 में 380 विकेट है इनका, ठीक है। और बेस्टे लीडर का भी नाम था तो इनको भी देख लो, 6 मैच में पिछले सीजन को विकेट नहीं मिला, 9 मैच में 20 विकेट है, हालांकि ज्यादा कुछ खास आपके लिए करता हुआ नहीं दिखेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो यार, किसका वेट कर रहे हो यार, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इनके टीम से किसको लेके जाना है तो नो डाउट विकेट कीपिंग में 22% मात्र सिलेक्शन है, समझ रहे हो, कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइसेस में रहेगा, आप इनको रखो अपने टीम में। बेन स्टोक्स का देख लो सिलेक्शन कितना हाई है, खेलेगा नहीं बंदा 100% मैं बता रहा हूँ, पहले से कॉन्टेस्ट ज्वाइन रखना तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा बिकॉज बहुत सारे ऐसे बंदे जो खेलने वाले नहीं है, ठीक है। बेडिंगम मेरे टीम में रहेंगे, एलेक्स लीज को मैं लेकर नहीं जाऊंगा, रिस्क लूंगा इनके ऊपर। ग्राहम कलर को चाहते हो ट्राई करना तो कर सकते हो, जेम्स विंस के प्लेस पे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी यहाँ से कोई खेलेगा नहीं। बेस्ट लीडर खेलेगा भी तो इंपॉर्टेंट रहेगा, बॉडविक भी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन देख लो यार बहुत ज्यादा हाई है बट कुछ खास नहीं रहने वाले। एकरमैन का 16% सिलेक्शन है बट मैं इनको लेके जाऊंगा, प्रीफर करूंगा, कार्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। कोग्लियन को मैं रखूंगा, बहुत तगड़ा वाला बॉलर है,
फिर वुड इंपॉर्टेंट है, ये खेलेगा ही नहीं। पार्किंसन देखो, जिसका 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 सिलेक्शन हाई है वो अंदर खेलने ही नहीं वाला है। कैलम पार्किंसन मेरी टीम में रहेगा 100%, पॉट्स को मैं रखूंगा, स्कॉट बोलर खेल जाते हैं तो फिर मैं रखूंगा, बेन रेन मेरी टीम में रहने वाले हैं, और जो अभी के लिए टीम बन रही है वो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहां से मैंने ऑलरेडी रॉबिन्सन को मैंने विकेट कीपिंग में रखा है, बैटिंग में मैंने निक गॉबिन्स, बेडिंगम, एलेक्स लीज को रखा है, ऑलराउंडर सलियान डॉसन, कॉलिन एकरमैन, पॉक कोलियर को रखा है मैंने, बेन रेन, काइल अवॉर्ट, मैथ्यू पॉट्स, कैलम पार्किंसन को मैं रखा है। तो ये अभी की टीम है। कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप पूछ रहे हो कि भैया अभी तक दिए रही हो, तो मैं जब मैच आपको स्टार्ट रहेगा तो मैं इसी वीडियो के कमेंट में आपको सी और बीसी में बता दूंगा लास्ट के 10 मिनट पहले, ठीक है। तो जाकर के आप हमारे, नहीं तो फिर मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पूरी फुली टीम मिल जाएगी आपको। तो टेलीग्राम चैनल से जल्दी जाकर ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको फाइनल टीम वगैरह टॉस अपडेट वगैरह सारा कुछ मैं आपको वहां पर बताते रहता हूँ। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नाम दैट्रिक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जय हिंद।